और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन की बड़वा शासकीय स्कूल में खेल मैदान पर तार फेंसिंग को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक पक्ष की शिकायत के बाद प्रशासन की कार्रवाई का बुधवार को दूसरे पक्ष ने विरोध दर्ज कराते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की बहुजन समाज के छात्रों और सदस्यों ने प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ प्रशासन ने बिना सूचना दिए कार्रवाई की है, जो अनुचित है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारी बाउंड्री वाल को क्यों हटाया था? हमें बाबा साहेब की बाउंड्री वाल से कोई आपत्ति नहीं। बाबा साहेब हमारे भगवान है, उनकी बाउंड्री वाल वापिस से जो पुनः लगानी होगी। किसने हटाई, क्या हुआ? तहसीलदार ने हटाई है। किसने हटाई है? कल भी कुछ स्कूल के बच्चे आए थे यहाँ पर, तो वहाँ पर बाउंड्री वाल हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों को आपत्ति थी इसलिए वो कल आए थे, बट हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी बाउंड्री वाल वापिस से पुनः लग जाए। तो क्या करोगे? नहीं लगेगी तो हम भूख हड़ताल और आंदोलन भी करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया दिलीप रावल। को यदि इस तरह बच्चों की स्कूलों की चिंता है तो आप लोग यही इंदिरा नगर के स्कूल में चले जाइए। वहाँ पर जो वाल बाउंड्री थी वो वाल बाउंड्री तोड़ कर सारे लोगों ने वहाँ पर मकान बना लिए। बच्चों के प्रार्थना के में खड़े होने की जगह नहीं है। जिला डीओ ने शिक्षा अधिकारी ने लिखित में कई बार दिया लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ के स्कूल का ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ बाहुबली लोग लगे हुए उनके पीछे। यहाँ पर दलित लोगों SST लोगों का मामला है। इंदिरा नगर के स्कूल को जाकर देख ली जाए कि वो उस स्कूल के ग्राउंड की क्या स्थिति है। वहाँ के बच्चों के अभी हम ये चाहते हैं कि वहाँ से हमारी जाली तोड़ी लगाई हटाई गई है वो सीमांकन करके तत्काल हमको जो आवंटित की है 100x100 से उसको वापस तुरंत वो किया जाए वापस। नहीं लगाई गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो कोई भी लाइन एड्रेस से बिगड़ेगी उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। DR बर्डे गाँव से लोग आए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की समिति है, उनको 98 में पंचायत से ज़मीन आवंटित की गई थी और उस पर उसी समय बाबा साहब की स्टैचू लगा दिया था। लेकिन अभी बाबा साहब की स्टैचू की सुरक्षा के लिए जो 100x100 ज़मीन आवंटित की थी उस पर हम लोगों ने तार फेंसिंग करी थी और तार फेंसिंग कल ही वहाँ से स्कूल के बच्चों को प्रिंसिपल ने चुपचाप भेज दिया। प्रिंसिपल सामने नहीं आए, ना कोई गांव के लोग आए, बच्चों को सीधा पड़ा के भेज दिया और कलेक्टर साहब को गुमराह करके उसको हमारी जो तार फिनिशिंग थी उनको उन्होंने हटा दिया और बिना सूचना दिए हमसे कोई डॉक्यूमेंट लिया नहीं, हमसे कोई जानकारी ली नहीं। और हमको यदि कोई इनको दिक्कत थी तो हमको समय देना था, 3 दिन का 7 दिन का समय देने का रहता, नोटिस देना था या हमारे साक्ष्य लेना थे, प्रमाण लेना था, उसके बाद तोड़ते हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कलेक्टर बॉडी ने तुरंत आदेश दे दिया, तुरंत जाइए उनको हटा दीजिए। तो ये कलेक्टर साहब ने आदेश दिया तहसीलदार को, तहसीलदार और नायब तहसीलदार गए। तो हमारे समाज को यह आपत्ति है कि यदि कोई दिक्कत थी प्रशासन को या स्कूल को तो पहले हमारे एविडेंस लिए जाते, हमारे कागज़ दिए जाते और हमको समय दिया जाता, नोटिस दिया जाता और दोनों पक्ष की बात सुनी जाती, उसके बाद जो प्रशासन करता हमें मंजूर था। लेकिन ये वहाँ पर किसी भी प्रकार से ऐसी बात नहीं हुई कि हमें समाज के लोग पता चले तत्काल। तो समाज के लोगों को बड़ा आघात पहुँचा है, बाबा साहब की मूर्ति लगी इसलिए वहाँ पर समाज के लोगों को काफ़ी आघात पहुँचा है। उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए आज सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।